वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट लेक्चर में टेस्ट क्रॉस करे थे और बैक क्रॉस करा था, ठीक है। तो अभी हमारा जो न्यू एक टॉपिक है जो कि हमारा एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसको देखेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जैसे कि आपको पता है क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो मतलब क्रोमोसोम की ही पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इससे पहले एक साइंटिस्ट आए थे मेंडल आए थे। मेंडल ने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे, वो क्या था उसको देखते हैं। मेंडल ने जब अपना वर्क किया था तो बेटा वो 1865 में स्टार्टिंग करी थी इन्होंने, ठीक है। 1865 में जो स्टार्टिंग करी थी और लास्ट मतलब 1900 तक, वहाँ पे इनका जो पूरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन था वो आप बोल सकते हो क्या था, अनरिकग्नाइजेबल था, मतलब उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया गया था, ठीक है। और उन्होंने जो अपना वर्क किया था वो किस पे किया था, ऑन जीन पे किया था, ऐसा जैसे आप फैक्टर के फॉर्म में भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जीन जो था वो ऐसा फैक्टर के फॉर्म में था, जीन था। लेकिन जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस का मतलब वही जो कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर हो, किसके फॉर्म में हो, क्रोमोसोम के फॉर्म में। लेकिन जो मेंडल था, जो मेंडल थे उन्होंने क्या बताया था कि मेंडल ने अपने लॉ में ये बताया था कि वो फैक्टर्स को एज अ जो जीन जो हैं वो इनहेरिटेंस होंगे, ठीक है। जीन जो होंगे वो इनहेरिटेंस हो रहे हैं, एज अ मतलब वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, किसके फॉर्म में, जीन के फॉर्म में। बट उनके साथ मतलब मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला यहाँ पे अनरिकग्नाइज्ड, इनका जो वर्क था वो अनरिकग्नाइज्ड था, ठीक है। उस टाइम तक भी रिकग्नाइज नहीं किया गया था, मतलब 1900 तक, यहाँ तक इसमें अनरिकग्नाइजेबल था। उसके लिए उसमें चार कंडीशंस थी, क्यों अनरिकग्नाइज था। फर्स्ट तो था वहाँ पे कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, मतलब इस टाइम ड्यूरेशंस के बीच में वहाँ पे आपस में लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस करना इजी नहीं था, इतना इजी नहीं था कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, कि समझा सकें कि उन्होंने किस पे डिस्कवर किया है, कि वो मतलब उन्होंने किस चीज़ को लेकर डिस्कवरी की है, ठीक है। कि भाई उन्होंने देखा कि हमारे जो जीन हो रहे हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, या आपने देखा जैसे आप पी प्लांट देखते हो उसमें आप क्रॉसेस देखते हो, तो वो उस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे अपने वर्क को। तो उस टाइम क्या था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कि हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो किसको लेके था, जीन को लेके था, और एज अ फैक्टर को, एज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। सबसे पहले अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि इनहेरिटेंस के फॉर्म में क्रोमोसोम वर्क करते हैं, और किसके मतलब किसने बताया था कि एक्सप्रेशंस, मतलब अपने जो भी जीन्स होंगे उनको कौन एक्सप्रेस करेगा, या कौन इनहेरिटेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो जीन को किसने बताया था, ऐसा मेंडल ने बताया था। क्या है, वही सेम स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट जो कंट्रोल करती है एंड एक्सप्रेस करती है ट्रेट्स को, क्लियर। एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलिलीज, अब यहाँ पे जितने भी टर्म आ रहे हैं क्लियर हैं अभी आपको। यहाँ पे एलिलीज हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक एलिलीज पढ़े थे, जीन्स पढ़े थे, ठीक है। तो एलिलीज विच डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, अगर बेटा जीन होंगे, जीन्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करेंगे। सपोज मैंने इस तरीके से एक जीन बना दिए, तो ये जो जीन होंगे वो अपने अलग अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर आपने 11th क्लास में सेल डिवीजन पढ़ा है, आपने उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा है, तब आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्रोमोसोम आपस में कैसे हो जाते हैं, इस तरीके से ऐसी ये कंडीशंस बन जाती है, मतलब यहाँ पे ये बन जाती है। तो आपने यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखा होगा, चस्मेटा कंडीशन देखी होगी, है ना, क्रॉसिंग ओवर, चस्मेटा कंडीशंस, ठीक है। तो वो अलग अलग फेजेस में होती है हमारी, तो बस उसी को बोला है मतलब ब्लेंड होना। अब ब्लेंड आपको पता होगा कि किस कंडीशन पे बनेंगे, ऐसा क्रोमोसोम पे, बट जीन पे आपके ब्लेंडिंग नहीं होगी। विच डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर। एंड मेंडल्स अप्रोचेज ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकली फिनोमिनॉन, मतलब बायोलॉजिकली ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता कि बायो में हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बट ये किन्होंने बताया, एज अ मेंडल ने ही बताया कि उनके अप्रोचेस से किसको लेके, एज अ उन्होंने मैथमेटिक्स उसमें यूज़ की कर दी की थी, एज अ बायोलॉजिकली फिनोमिनॉन वॉज टोटली न्यू,
उस टाइम के जो लोग थे उनके लिए ये बहुत ही एक सरप्राइज था ऐसा, कि ऐसा कभी हो भी सकता है क्या कि बायो में हम कभी मैथ्स भी देखेंगे, ठीक है, उसमें हम इक्वेशंस भी देखेंगे, उसमें हम कभी रेशियो भी देखेंगे. तो ये टोटली न्यू था उनके लिए एंड कैसा था बच्चे, अनएक्सेप्टेबल था, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे. क्लियर? टू मैनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम, उनके टाइम में ये चीज़ें इस तरीके से थी. आगे, तो इसीलिए इनका वर्क अनरिकग्नाइज, वो मतलब समझा ही नहीं पाए थे अपने वर्क को, ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फाइनली मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर वर डिस्क्रीट यूनिट एंड कुडंट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ. यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, कि जो उन्होंने अपने जीन्स बताए थे, जो अपने फैक्टर्स बताए थे, वो उसी को प्रूफ नहीं कर पाए थे, एज अ फिजिकली प्रूफ नहीं कर पाए थे उसको, ठीक है, फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द फैक्टर. मतलब कि उनका जो फैक्टर है, वो जो जीन है जिस पे लेके उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया है, तो वो उसकी एक्सिस्टेंस नहीं बता पाए थे कि वो एग्जिस्ट भी करता है. क्लियर? या फिर उसका वो फिजिकली उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे. और से व्हाट दे वर मेड ऑफ, और वो ये भी नहीं बता पाए थे कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इनहेरिटेंस हो रहा है, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है बेटा, कि जैसे अगर मैं आप यहाँ पे बोल दूँ कि एक क्रोमोसोम होता है यहाँ पे, अब एक क्रोमोसोम आप धीरे जाके यहाँ पे सपोज़, जैसे अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, तो आपने सेल डिवीजन में आपने पढ़ा है माइटोसिस एंड मियोसिस. तो माइटोसिस एंड मियोसिस, आप माइटोसिस में देखते हो कि एक यहाँ पे सेल होती है, तो जो एक सेल होती है वो टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है. तो अब टू डॉटर न्यूक्लियाई भी बेटा कैसे बनी, अभी हमें पता है यहाँ पे पूरे फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, उसमें क्रोमोसोम आपस में कंडेंस फॉर्म में होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशिएशन होता है वहाँ पे किसका, मतलब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना होता है. मेटा में मिडिल पोजिशन पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, एना में पोल की तरफ क्रोमोसोम जाने स्टार्ट हो जाते हैं, और टीलो फेज में सेग्रीगेट हो जाते हैं. ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा 11th क्लास का है, बट अभी सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक समझना है यहाँ पे, कि माइटोसिस हमें पता है कि वो मूव करना शुरू कर जाते हैं, तभी वो अलग, मतलब दो बनते हैं या चार बनते हैं, मियोसिस में आपके फोर बनते हैं. ठीक है, एक होता है ये, हम यहाँ पे हमारी टू बना, और टू से हमारी यहाँ पे फोर बनी इस तरीके से. क्लियर? तो ये कैसे बनी, मतलब इसमें सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशंस होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ये कॉन्ट्रीब्यूशन था मेंडल का एज अ क्रोमोसोम थ्योरी को लेके. ठीक है, इसके बाद 1900 में ही एक तीन साइंटिस्ट आए थे. कौन कौन से तीन साइंटिस्ट थे, वो पूछ लेता है कि मतलब कौन से तीन साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी ऑफ द मेंडल्स के वर्क की. तो इसमें यहाँ पे हमारे तीन साइंटिस्ट थे, फर्स्ट तो थे हमारे ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है, कार्ल कॉरेंस एंड टेशमार्क्स. तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था, फिर आगे इन्होंने बताया था कि वो मतलब दे आर एबल टू एक्सप्रेस द या ऑब्जर्वेबल, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था ऑफ द सेल डिवीजन को. ठीक है, तीन साइंटिस्ट थे हमारे यहाँ पे, कौन कौन से थे, पहला तो हमारे डी वेरिस, ठीक, सेकंड कार्ल कॉरेंस, एंड थर्ड थे हमारे यहाँ पे टेशमार्क. ठीक बेटा, इन्होंने 1900 में ही अपना क्या बताया था, ये मतलब इन्होंने बता दिया था कि इन्होंने सेल डिविजन्स को बताया था. किसको बताया था, सेल डिवीजन. अब आपको पता है सेल डिवीजन हमारा, सेल डिवीजन अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी क्रोमोसोम मतलब जो होंगी वो आपस में मतलब कैसे सेपरेट होंगी, सेग्रीगेट होंगी, फिर आपको कैसे डुप्लीकेट करेंगे. ठीक है, तो इसमें अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमें पता है क्या होता है, न्यूक्लियस में इस तरीके से ये सपोज न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे ऐसे करके क्या होती है, एज अ क्रोमेटिन थ्रेड होती है. ठीक है, क्या होती है, एज अ क्रोमेटिन थ्रेड. अब ये क्रोमेटिन थ्रेड हमारी डबल होती है. ठीक है, कैसी होती है, डबल होती है, मतलब डबल लेयर्स के फॉर्म में होती है. ठीक है, और आगे जाके आपने पढ़ा होगा कि जब क्रोमेटिन थ्रेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दैन दे कन्वर्ट इनटू अ क्रोमोसोम, आगे जाके यही क्रोमेटिन थ्रेड हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रोमोसोम में. ठीक है, इस तरीके से ये बाई मैम्ब्रेन होता है, डबल मैम्ब्रेन होता है. क्लियर,
अब तो यहाँ पे अपना ये क्या बताएगा, ये सेल डिवीजन होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन को बताएगा, ठीक है। इसके मतलब जो ये जो क्रोमोसोम है, मतलब जब ये क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन थ्रेड है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के टाइम पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम हमारा क्या है, कलर्ड बॉडी है। क्रोमोसोम क्या है, कलर्ड बॉडी, ठीक, कलर्ड बॉडी है। इसके बाद एक मतलब इसमें दो साइंटिस्ट और आए थे 1902 में आए थे, वो सटन एंड बॉबेरी। सटन एंड बॉबेरी ने भी यहाँ पे क्या बताया था, सटन एंड बॉबेरी, ठीक है। अब इन्होंने मेन जो अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने ही दी थी, जो कि किसके बिहाफ पे दी थी, ऐसा क्रोमोसोम के बिहाफ पे, ठीक है। क्रोमोसोम के बिहाफ पर ही या क्रोमोसोमल के बिहाफ पर ही इन्होंने अपनी क्या दी थी, ऐसा ये थ्योरी दी थी, ठीक है। क्लियर। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मैंडल्स थे उन्होंने जीन को लेके दिया था, वो नहीं बता पाए थे कि वो किस तरीके से इनहेरिटेंट हो रहे हैं और वो कहाँ से आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो ये डिवारिस थे, इन्होंने सेल डिवीजन को वहाँ पे बता दिया था, सेल डिवीजन डिस्कवर किया था। तो बेटा जो सटन एंड बॉबेरी थे उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था कि वो उनके लिए आधी डिस्कवरी तो हो चुकी थी, किसको लेके, जीन को लेके, जो कि मैंडल्स के थ्रू की गई थी। उसके बाद आधा काम इन्होंने इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर कर दिया कि भाई सेल डिवीजन होती है, क्रोमोसोम होता है इसमें यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, मूव कर जाते हैं और सेपरेट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी का जो सारा काम है वो किन्होंने कर दिया, सटन एंड बॉबेरी ने बता दिया कि किस तरीके से क्रोमोसोमल थ्योरी होगी एज अ इनहेरिटेंस के फॉर्म में। तो इसके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज आती हैं, कुछ इनकी यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ आप डायग्राम के थ्रू देखोगे कि म्यूसिस में जब देखेंगे, म्यूसिस फर्स्ट में, एनाफेज में क्या होगा और एनाफेज जो हमारा जो सेकंड है उसमें क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे मैंडल थे, मैंडल ने, और जो ये सटन एंड बॉबेरी हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, जो अभी MCQ है वो यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे कि जो मैंडल ने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसको के लिए दिया था और सटन एंड बॉबेरी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किसके लिए दिया था। तो इसमें बेटा कुछ सिमिलरिटीज पढ़ेंगे हम कि मतलब दोनों की, जब दोनों ने अपने जो जब डिस्कवरी की थी तो दोनों के लिए सिमिलरिटीज़ क्या थी और दोनों के डिससिमिलरिटीज़ वाले पॉइंट क्या थे, ठीक है। तो उसको अभी हम देखते हैं। अब हम इसको कुछ डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जब हमारा मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो म्यूसिस फर्स्ट और सेकंड में क्या कंडीशन होती है, कि किस तरीके से अपना क्रोमोसोम हमारा सेग्रीगेट होता है और सेपरेट हो पाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारा G1 है और ये G2, ये क्या है, हमारी एक सेल साइकिल है। ये हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपना कि सेल साइकिल में हमारा G1 फेस होता है, S फेस होता है, G2 फेस होता है, देन M फेस होता है, इस तरीके से होता है। एक G1 फेस हो गया हमारा, एक G2 फेस हो गया, पहले उससे पहले हमारा S फेस आ जाता है, सिंथेसिस फेस, ठीक है। देन फिर हमारा एक G2 फेस हो गया, देन फिर एक आ जाता है हमारा लास्ट इज M फेस, ठीक। तो यहाँ पे इस हम G1 फेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको दो मतलब एक अलग अलग तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक क्रोमोसोम ये जो हमारे हैं अलग अलग तरीके से मैंने आपको करके दिखाया है। सपोज एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है। अब G2 फेस में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा हमारा क्रोमोसोम जो होता है वो डबल हो जाता है। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि डबल मतलब जो क्रोमोसोम जो होगा हमारा कैसा हो जाएगा, 2N फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, मतलब डबल हो जाएगा। अब वो डबल कब होता है, उसको जब सिंथेसाइज बोलते हैं, जब उसमें वो मतलब सेपरेशंस होता है तभी वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, तो तभी वो G2 फेस में कैसा हो जाएगा, डबल, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने सिंगल सिंगल पेयर लगाए हुए थे और यहाँ पे मैंने आप इसको डबल कर दिया। ये सेम आपका डायग्राम यहाँ पे NCERT में इसी तरीके से दे रखा है, जैसे बस यहाँ पे कलरिंग दे रखी है। ये आपका यहाँ पे ऐसा एक येलो कलर का है, एक आपका यहाँ पे रेड कलर का है, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का और एक ग्रीन कलर का। और ये जो ऑरेंज और ग्रीन है ये दोनों आपस में इस तरीके से बता रहे हैं ये कैसे इसके साथ कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड होकर किस तरीके से जब डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है तब वो जाके आके सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब म्यूसिस फर्स्ट पढ़ते हैं। म्यूसिस फर्स्ट में एनाफेज, आपको पता है कि हमारी म्यूसिस फर्स्ट में एनाफेज कंडीशन आएगी। यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ से MCQ ये भी हो सकता है कि जब हम क्रोमोसोमल जब इनहेरिटेंस होती है या फिर जब वो सेपरेट होके जब वो डिवाइड होके मतलब और जो अपने जो एक जो क्रोमोसोम है वो 2 फॉर्म में या 4 फॉर्म में बनता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं अभी हमने पढ़ा था
म्यूसिस डिवीजन, जब म्यूसिस अभी हमने डिवीजन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एक सेल थी हमारी, एक ने पहले टू डॉटर न्यूक्लियाई बनाई, देन फिर उसने कितनी बनाई, फोर डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया। तो जब ये इस तरीके से अपने आप को डिवाइड कर रहा है, तब आप देख रहे हो यहाँ पे एनाफेज में ही ये पोल की तरफ जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था, ये टर्म बताया था, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो बेटा एनाफेज में इसमें ही जो क्रोमोसोम होते हैं वो पोल की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सपोज इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम होंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स इस तरीके से बनते हैं, ये सेंट्रोमियर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके होते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से क्रोमोसोम जो होते हैं ऐसे करके लगने स्टार्ट हो जाते हैं, वो पोल की तरफ अपने आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो एनाफेज यहाँ पे अब डबल हो गए। ठीक है, किस तरीके से देखो डबल हो गए, अब यहाँ पे अपनी क्या हो जाएंगी, ये बाईवेलेंट कंडीशन बनेगी। बाईवेलेंट का मतलब आपस में जो क्रॉसिंग ओवर होती है, जो चेस्मेटा कंडीशन आती है, अभी हमें कोई फेजेस वगैरह कुछ नहीं पढ़ने, सिर्फ अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि म्यूसिस फर्स्ट में एनाफेज के टाइम ही जो क्रोमोसोम होते हैं वो बाईवेलेंट कंडीशन पर आ जाते हैं। बाईवेलेंट होने के बाद म्यूसिस सेकेंड, म्यूसिस सेकेंड में हमारे क्या होंगे कि एनाफेज जब होगा तो वहाँ पे ये अपना एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाईवेलेंट हो रहा है, दैट मींस यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, चेस्मेटा कंडीशन बन रही है, क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है यहाँ पे और चेस्मेटा कंडीशन बन रही है। अपने जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसको क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, एज अ मिक्सअप हो रहा है, एज अ ब्लेंडिंग हो रही है। अभी हमने पढ़ा था जो मेंडल का जो मतलब अनरिकॉग्नाइजेबल वर्क था, उसका एक पॉइंट ये भी था कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि उसमें ब्लेंडिंग हो पा रही थी। ठीक है, तो बट यहाँ पे इसका सेंस यही है कि जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो वो क्या हो जाएगी, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स, ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेड्स, यहाँ पे ट्रेड जो है वो कैरेक्टर्स को ही बोला गया है। ठीक है, इसके बाद अब आप देख रहे हो म्यूसिस सेकंड में दोनों आपस में क्या हो गई, इंटरमिक्सिंग हो गई। जब इंटरमिक्सिंग होकर आया तो जर्म सेल्स अपना एक अलग अलग बन गए इस तरीके से। इसको आप जो एक पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप और अच्छे से समझ पाओगे, उसको भी डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं। और अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सर्टन एंड बॉवेरी थी वो और मेंडल्स के क्या क्या सिमिलरिटी पॉइंट थे और कौन से डिसिमिलरिटी पॉइंट थे। क्लियर, अब हम अपना देखते हैं यहाँ पे हमारा सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज पहले हम अपनी मेंडल्स के अकॉर्डिंग और सर्टन एंड बॉवेरी के अकॉर्डिंग देखेंगे। बेटा ये सारा टॉपिक हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में ही है। इसमें अभी हमने पता है अकर्स इन अ पेयर्स, जो जीन्स थे मेंडल के अकॉर्डिंग वो भी पेयर में अकर्ड थे और ये भी हमारे कैसे होंगे, पेयर में अकर्ड होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि स्मॉल स्ट्रक्चर नोन एज जीन, जो मेंडल ने अपने बताया था वो स्मॉल स्ट्रक्चर थे, जीन थे, फैक्टर फिजिकली एविडेंस। ठीक है, एज अ फिजिकली एविडेंस में थे, इन्होंने क्या बताया था इनके लिए, मतलब इनके जो इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट में बताया था वो क्या था, क्रोमोसोमल थे जो कि एज अ फिजिकल अपीयरेंस थे। क्लियर, सेकेंड पॉइंट देखोगे आप कि जीन फैक्टर्स आर इन अ पेयर एलिलीज, जो जीन के जो फैक्टर्स थे वो कैसे थे, पेयर एलिली के फॉर्म में थे। जैसे सपोज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल, और कैपिटल ए स्मॉल बी, दोनों कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके कैसे हो गए, फैक्टर जो है जीन पेयर पेयर्स में हो गए। यहाँ पे हमारा क्या है कि क्रोमोसोम विच हैव दीज जीन्स ऑन फैक्टर्स आर इन पेयर्स, मतलब जो क्रोमोसोम थे जिसके फॉर्म में वो, मतलब जो अपने पे जो जीन रख रहे थे वो भी कैसे थे, एज अ पेयर के फॉर्म में थे। अभी आपको सारे पॉइंट सिमिलर ही मिलेंगे, जो यहाँ पे मेंडल्स बोलेंगे वो बस जीन को लेके बोलेंगे और जो सटन एंड बॉवेरी ने बोला है वो क्रोमोसोम को लेके बोला है। क्लियर, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि फैक्टर सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे जो फैक्टर है, जो जीन है, वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सेपरेट, बट वो फिजिकली एविडेंस, फिजिकली प्रूफ नहीं दे पाए थे। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। अभी हमने थोड़ा देखा था कि किस तरीके से जब G1 और जब G2, जिस तरीके से उसके बाद जब बाईवेलेंट हुआ म्यूसिस, म्यूसिस फर्स्ट में एनाफेज के टाइम पे, तो उसके बाद आप जिन्हें देखा म्यूसिस जो हमारा सेकंड था उसमें एनाफेज जो सेकंड था उसके बाद क्या हुए, किस तरीके से उसमें गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेशन होना स्टार्ट हो गया उनका क्रोमोसोम का। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर्स सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर, और फोर्थ पॉइंट्स में हमारा क्या बोलते हैं कि एलिलीज ऑन द फैक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, कैसे होंगे एलिलीज, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे। जैसे ये कैपिटल ए
स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल कैपिटल भी आप ले सकते हो और कैपिटल ए स्मॉल बी भी आपका आ सकता है। मतलब कैपिटल के साथ स्मॉल कंडीशन भी बनेगी, कैपिटल के साथ स्मॉल बी, कैपिटल के साथ स्मॉल बी और ये वाली भी, ठीक है। आपस में कैसे होंगे, इंडिपेंडेंटली या सॉर्ट होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कैपिटल ए और ये कैपिटल बी, ए बी फॉर्म में हो गया कैपिटल ए और यहाँ पे ये हमारा ये बी के फॉर्म में आ गया स्मॉल बी, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया, ए बी। जैसे आपने यहाँ पे अगर पढ़ा होगा, एक हमने जब क्रॉस पढ़े थे तो बेटा हमने ये पढ़ा था टॉल, मतलब प्योर टॉल, और ये पढ़ा था हमने प्योर डॉफ, और एक हमने ये पढ़ा था कैपिटल डी स्मॉल डी, जो कि हमने देखा था किसके फॉर्म में, हाइब्रिड के फॉर्म में है, बट है तो ये हमारा टॉल ना, क्या है, हाइब्रिड के फॉर्म में है लेकिन है ये हमारा टॉल, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि कैपिटल टी इज ओवर डोमिनेंट स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, लेकिन वो किसके किसको एक्सप्रेस करेगा, ऐसा कैपिटल को ही एक्सप्रेस करेगा, तो इसीलिए उसे क्या बोला गया, हाइब्रिड टॉल। तो यहाँ पे आपका क्या आया है, यहाँ पे इसीलिए ए है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या माना गया है, कैपिटल ए और स्मॉल बी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। इसके बाद डिसिमिलैरिटीज, डिसिमिलैरिटीज में देखिए क्या है, यहाँ पे जीन्स आर नॉट विजिबल अकॉर्डिंग टू मेंडल के टाइम पे, तो जब उनका विजिबल ही नहीं हुए थे तो वो इसीलिए नहीं बता पाए थे कि किस तरीके से वो मूव कर पाएंगी, क्लियर। तो ये हमारे एक डिसिमिलैरिटी पॉइंट हो गया। यहाँ पे सटन एंड बॉवेरी ने क्या बताया कि क्रोमोजोम आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में क्रोमोजोम का ईजिली से दिख पा रहा था कि किस तरीके से वो प्रोफेज मेटा एना किस तरीके से जा रहे थे और कैसे कैसे वहाँ पे डिवीजन हो रहा था, ठीक है, तो उनकी विजिबिलिटी इजीली से दिख रही थी। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका कि जीन आर कंपोज ऑफ द आदर डीएनए और आरएनए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि मेंडल के अकॉर्डिंग जो जीन जो होते हैं वो कैसे मेडअप होते हैं, किससे बने होते हैं, डीएनए से, या तो डीएनए से या फिर आरएनए से। अकॉर्डिंग टू सटन एंड बॉवेरी में जो कंपोज होंगे, जो क्रोमोजोम होंगे, क्रोमोजोम कैसे कंपोज होंगे, डीएनए हिस्टोन से एंड आरएनए से। डीएनए हिस्टोन, हिस्टोन आपकी एक प्रोटीन होती है, उससे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपने ये सिमिलरिटीज भी देख ली क्रोमोसोमल थ्योरी को लेकर, एज अ जीन पे और एक एज अ क्रोमोसोम पे। यहाँ पे आपने एक डिसिमिलर पॉइंट भी देख लिया कि आपस में दोनों की डिसिमिलरिटीज क्या थी, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ जिसमें आप देखोगे कि एनाफेज जब हो रहा है हमारा मियोसिस फर्स्ट, तो उसमें टू क्रोमोसोम पेयर हैं, वो अलाय करते हैं एट द मेटाफेज प्लेट पे। दो क्रोमोसोम के पेयर्स हैं मेटाफेज प्लेट पे, अलाय कर रहे हैं और इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं ईच अदर, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपका जो एक इमेज है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम वाली ही है, जिसमें दो पॉसिबिलिटी बनती हैं आपकी, जिसमें आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है जो कि हमारी म्यूसिस फर्स्ट में है एनाफेज में, क्लियर। इसके बाद आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी सेकेंड में जो देखोगे वो है आपकी कि म्यूसिस फर्स्ट एनाफेज में क्या है, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड। आप थोड़ा सा चेंज है बेटा, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑरेंज के साथ फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ग्रीन है, जबकि यहाँ पे जो ऑरेंज है पॉसिबिलिटी सेकंड में, जो ऑरेंज है लॉन्ग ऑरेंज है हमारा, उसके साथ रेड है, क्लियर। एंड फिर आप देख रहे हो यहाँ पे जो लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन, लॉन्ग आपका येलो हो जाएगा और शॉर्ट ग्रीन, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी से सेकंड पॉसिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंस हो गई। अब आप मियोसिस सेकंड में देखोगे, इसमें एनाफेज में, जिसमें आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ऑरेंज के साथ ग्रीन अटैच हो गया, मियोसिस सेकंड हो रही है, बाइवेलेंट कंडीशन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एनाफेज। और इसी में हमारा येलो के साथ रेड वाला कंबाइंड हो गया, सेम सिमिलर इसका स्ट्रक्चर। सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी देखो, रेड ऑरेंज है, ऑरेंज के साथ रेड कनेक्ट है, ठीक है, और येलो के साथ ग्रीन कनेक्ट है। उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, अपने अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या था, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग बताया था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग बताया था कि किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और आपस में किस तरीके से दोनों पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देखी, क्लियर। अब हम यहाँ पे अपना देखते हैं कि कुछ और भी, मतलब फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो हमारे जेनेटिक्स में थे वो हमारे टीएच मॉर्गन है, ठीक है। मॉर्गन ने अपना यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, एक किस में दिया था, ड्रोसोफिला पे दिया था। तो ड्रोसोफिला को लेके क्या क्वेश्चन आता है, देखो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है यहाँ पे, टीएच मॉर्गन, ठीक है।
टी एच मॉर्गन ने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था वो किस पे दिया था? एज अ ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। ये भी आपका क्या बताता है? ये भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को ही शो करता है, ठीक है। इसमें अब ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को ही क्यों चूज किया? जैसे कि आप एक इमेज में भी देख पा रहे हो कि आपकी एक मेल ड्रोसोफिला है और एक फीमेल ड्रोसोफिला है, ठीक है। तो उसमें आप उसको इजीली से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इजीली डिफ्रेंशिएट टू ईच अदर, एक दूसरे को, मेल और फीमेल को आप इजीली से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ठीक है। इसमें ये हो गया सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे ये बहुत ही, मतलब इस तो आप बोल सकते हो इसकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है तो जो ये मतलब प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है विदिन अ 2 वीक्स में अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर देगी। क्लियर। एक पॉइंट और आता है आपका यहाँ पे केस में। इसको अगर हम एक लैब में अगर फॉर्म करें मेलेनोगेस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर को, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही जल्दी अपने आप को प्रोपेगेट कर लेती है, बहुत ही अपने आप को जल्दी से जनरेट कर लेती है, ठीक है। तो बट उसके लिए एक, जब हम एक लेबोरेटरी यूज़ करते हैं तो उसमें हम उसको कैसा एक मीडियम प्रोवाइड कराना है? एज अ थाइल एल्कोहल। क्या देना है? एज अ थाइल एल्कोहल, ठीक है। एक पैट्री डिश लेनी है, पैट्री डिश में सपोज अगर एक एक हमने ड्रोसोफिला ले ली, उसमें हमने थाइल एल्कोहल लिया, उसको एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराया जिसके थ्रू वो अपने आप को बहुत ही जल्दी से क्या करेगी, अपने आप को ग्रो कर पाएगी, प्रोपेगेट कर पाएगी, ठीक है। तो इसमें अभी हमने देखा कि जो टी एच मॉर्गन थे उन्होंने भी अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। सबसे पहले फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुटअप हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसको बोलते हैं फादर, ठीक है। तो टी एच मॉर्गन ने अपने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे अपना वर्क किया था जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बताता है। अब इन्होंने ही इसको ही क्यों चूज़ किया? तो इसके ये कुछ रीजंस थे जिसमें कि हमने दोनों को डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा कि यहाँ पे मेल और फीमेल आपस में कितना है, मतलब हम उसको ईजिली से एक डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि आपकी मेल वाला जो होता है वो शॉर्ट होता है, फीमेल जो होती है थोड़ी लार्ज होती है। मेल कैसा होता है? मेल शॉर्ट होगा और फीमेल कैसी होगी? लार्ज, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक हमने पॉइंट देख लिया, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, अपनी प्रोजेनी को विद इन अ 2 वीक्स में प्रोड्यूस कर देती है, और इथी मतलब थाइल एल्कोहल जब उसको मीडियम देते हैं तो अपनी एक न्यू जनरेशन बहुत जल्दी से अपने आप को बनाती है, या न्यू जनरेटिव फॉर्म, ठीक है, बहुत जल्दी से अपनी एक जनरेशन जो होगी उसको आके बहुत जल्दी बनाएगी। तो यहाँ पे हमने क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस पढ़ा, जिसमें कि अभी हमने इसकी पॉसिबिलिटी देखी, मेंडल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा, सटन एंड बॉवेरी का देखा, और उसके बीच में एक क्वेश्चन ये और इम्पॉर्टेंट बनता है कि जब मेंडल थे, मेंडल अगर अपना वो मतलब उनका जो वर्क था वो अनरिकॉग्नाइजेबल था उस टाइम पे, बहुत से साइंटिस्ट ने उनके वर्क को माना नहीं था, बट 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने रीडिस्कवरी करी, तो रीडिस्कवरी वाले साइंटिस्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा है लिंकेज, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।